और तेरी लाइन देखो कितनी लगी हुई है। अबे यहाँ पे तो पुलिस भी लगी है भाई साहब, यहाँ पे तगड़ा सीन है भाई। तेरी कल हम लोग जा रहे हैं गाइस एक मस्त वाली लंबी राइड पे गाइस। कौन सा भैया नया डलवाया था मैंने 9000 रुपए का। तो गाइस अपना नाम चेक करो क्या मस्त लग रहा है। तो ये हमने कल लिखवाया था एंड गाइस इस पे नंबर भी लिखवाया था। तो गाइस आज जा रहा हूँ मैं साहिल की शॉप पे और आज अपनी बाइक को गाइस नहलाना क्योंकि ठंड बहुत है तो बड़े दिनों से ये नहाई नहीं है तो आज इसको अच्छे से नहलाएंगे। पर कल हम लोग जा रहे हैं गाइस एक मस्त वाली लंबी राइड पे गाइस। तो फाइनली बड़े दिनों बाद हम लोग जाएंगे मस्त वाली एक लंबी राइड पे। अपनी बाइक भी जा रही है साथ में, जा रही है R1। तो काफ़ी मज़ा आने वाला गाइस कल की वीडियो में, तो वीडियो को मिस मत करना। फिलहाल तो आज की भी नहीं मिस करना यार, आज की भी आप पूरी देखो। साहिल को मैंने फ़ोन कर दिया कि आ जा भाई। ओ भाई ओ भाई, मामा तू तो ऊपर आ रहा है। बीच में यार जो गाड़ियाँ लगाते हैं ना उनकी वजह से ना ये सारा काम ख़राब होता है यार। गाड़ी लगाते हो पार करते हो साइड पे कर लो यार, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे रश वगैरह जाम वगैरह लग जाता है। तो बट लोगों को समझ चाहिए खुद ही यार। ये देखो हाँ, ये चेक करो इस बीच में खड़ी कर दिए दोनों की बाइक, दोनों गाड़ियाँ। तो अब बताओ दो चार गाड़ियाँ आएंगी तो रुक जाएंगी, जाम लग जाएगा, क्या फ़ायदा उस चीज़ का यार। अच्छा थोड़ा दिमाग लगा के काम किया करो, और थोड़ा एक आधा काम भी है वो भी आज निपटाएंगे। तो इसको हम लोग फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं गाइस कल लॉन्ग ट्रिप पे। तो कल का ट्रिप मैं आपको कल ही बताऊंगा, कल की वीडियो में बताऊंगा कि किस तरफ जा रहे हैं। तो मज़ा आने वाला गाइस, सुपर बाइक्स होंगी हमारे साथ, साथ में ऋषभ भी होना था बट ऋषभ का कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो ऋषभ नहीं आ रहा, नहीं तो भाई ऋषभ ही साथ होता अपने। है ना फील, कसम से फील ही अलग आता है इसको जब दौड़ाता हूँ ना। हवा का मैं यार बाइक मेरी थोड़ी सी अनबैलेंस हो रही है हवा की वजह से लग रहा है मुझे, तो कोई नहीं फील करवा लेते हैं यार। एक दो काम है पहले वो करवाते हैं फिर हवा वाला काम करवा लेते हैं। तो फाइनली गाइस अपनी बाइक नहा धो के हो गई, कितने सालों बाद, करोड़ों साल बाद हमने गाइस बाइक धुलवाई अपनी, सदियाँ होंगी। सुबह फिर जा रहे हैं हम लोग लॉन्ग राइड पे। भाई ऑडियंस पूछ रहे लॉन्ग राइड पे कब जाओगे। नहीं भाई आराम से जाएंगे, अब पता नहीं R1 जाएगी क्यों। R1 हमारे यहाँ चल रही है पेट्रोल की हड़ताल, मेरी वीडियो में देख लेना, डाल दूंगा बता दूंगा भाई। पेट्रोल अगर हो गया तो फिर तो R1 लेके जा सकते हैं। हाँ तो एक्सपल्स भी है, R15 भी है और ये भी है, देख लेंगे जिस पे जाना होगा। ये तो जाएगी, इसमें तो हो जाएगा, एक ही बार फुल करवाऊंगा ये निकल जाएगी। अगर भी आप इंडिकेटर नया डलाना है। कौन सा भैया नया डलवाया था मैंने 9000 रुपए का। मेरे वीडियोस गाइस मेरे मतलब मैं इन्होंने इसकी ना पूरी पूरी वो हड्डियां दिखाई थी अंदर से, अंतड़ियां खोल के दिखाई। और गाइस ये चेक करो R1, ये भी भाई एकदम साफ रखी हुई है, साफ करी हुई है। तो साहिल ने घर पे साफ वॉश कर दिया था इसको, तो मैं साहिल के पास आया था। तो गाइस फ्यूल का सीन बना हुआ इसलिए हम लोग राइड पे नहीं गए। तो अभी मैंने फ़ोन किया है एक बंदे को तो फ्यूल मिल जाएगा और कल निकलना है यार सुबह हमने। मैं सोच रहा हूँ यार वही काम हो जाए, तो मेन काम है पहले वो वाला काम कर ले फ्यूल वाला, उसके बाद बंदा वही कर लेता कुछ ना कुछ जुगाड़। भाई साहब मैं जा रहा हूँ फ्यूलिंग करवाने क्योंकि कॉल आ गई थी मुझे पंप से कि भैया आ जाओ बाइक लेके। तो वहाँ पे कार्ड नहीं चलेगा, कैश पे ही काम करना पड़ेगा और चलता यार क्योंकि आपको पता है ऑल इंडिया में भाई। और गाइस कल लॉन्ग राइड होने वाली है, अब पता नहीं बाइक एक जाती कि दो जाती क्योंकि अभी फ़िलहाल तो प्लान दोनों का था। मेरे वाली एक टैंक पे हो जाएगा काम शायद, मुतल लगभग 250-300 किलोमीटर है, फुल टैंक में काम हो, फुल टैंक में कवर हो जाए। और रास्ते में पेट्रोल नहीं मिला दिक्कत हो जाएगी। एंड इसी के चलते ना हम लोग सोच रहे हैं कि एक ही बाइक लेके चले। और वो सामने पेट्रोल पम्प, यहाँ पे बस खड़ी है और वहाँ पे रश तो बहुत सारा है, देखते हैं क्या सीन रहता है यार। बंदा तो है अपना,
बट और तेरी लाइन देखो कितनी लगी हुई है अबे यहाँ पे तो पुलिस भी लगी है ओ भाई ये क्या है गाइस बहुत ही बुरा हाल है कैसे डलवाऊंगा भाई तेल मेरा बंदा कहाँ है यार यहाँ पे तो दिख नहीं रहा तो भाई देख लो हाल चाचू पीछे ही आऊं तो भाई साहब बहुत मुश्किल से यार पेट्रोल मिलेगा यहाँ पे पंगा हो गया अब पता नहीं वो डालेगा कि नहीं डालेगा भाई साहब ये देखो यहाँ पे बड़ा तगड़ा सीन हो गया यार कोई बाइक ना तोड़ते इसलिए मैंने शीशे इसके क्लोज ही कर दिए भाई साहब यहाँ पे तो तगड़ा सीन हो गया भाई फिर भाई यहाँ पे तो तगड़ा पंगा हो गया खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय और मेरा नंबर आ गया मेरा अपना बंदा था यहाँ पे तो पंगा हो गया कहो पंगा ये फुल करी ऊपर तक वो कल लगना भी लगना मुश्किल है ना ऊपर तक आंदे अच्छा मैं चली जाना तुम्हें कितना हूं मैं तार हो गया मैं अपने भाई में निकला है पर बस 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 बड़ा बड़ा नहीं कड्डी लैंदे बाहर कार्ड कराई है ते कार्ड करी ओड़ा है कार्ड करना कार्ड मैं बाहर कढ़ा एक मिनट आयुष बाहर कढ़ाया ओ करे साडे पिंड पड़न दे मोड़ सर यार तो भाई यही बंदा हमारा पेट्रोल पंप वाला जिसने हमारी आज हेल्प की भाई अभी इसको भी कुछ करना कर दे बच्चा अभी कटी तो भाई अभी कार का भी सीन हो जाएगा भाई ये बंदा अपना हो तो ये चीज़ों का फ़ायदा होता है भाई आज हमारा काम निकल गया सारा क्रेडिट जाता है आयुष भाई को आयुष के चैनल पे जाओ गाइस ये भी ब्लॉग बनाता है मस्त वाले नाम बोल आयुष ब्लॉग्स 8051 भाई को सब्सक्राइब करो यार देखो भाई इतनी हेल्प करी है भाई ने इतना तो बनता भाई तो गाइस यहाँ पे लोगों के रिएक्शन तगड़े आ रहे हैं चलो ठीक है ओके फुल हो गया तो टैंक हमारा हो गया गाइस फुल ओके
तो देखो फटाफट से ना अपना काम बन गया, और चाचू देखो कैसे देख रहे हैं। ओह पाजी सिस्टम है भाई, सिस्टम काम हो गया यार अपना, ये बहुत बड़ी बात है। टैंक हो गया फुल, अभी रेंज देखते हैं कितनी है, घर जाके देखूंगा। तो चलते हैं यार वापिस घर पे फटाफट, हमने काम बना दिया अपना यार, पेट्रोल मिलने नहीं वाला था पर काम बन गया यार, सही हो गया ना। तो कोई टेंशन नहीं, कल हम जा सकते हैं, और रास्ते में कहीं ना कहीं से जुगाड़ थोड़ा बहुत पेट्रोल का कर लेंगे। मेरे को लग रहा है 4-5 लीटर तेरे को और चाहिए, और वो रास्ते से ही करेंगे, क्योंकि दो बंदे अभी एक बाइक पे जाएंगे तो एवरेज थोड़ी सी कम हो जाएगी बाइक की, बट कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे, न्यूट्रल कर लेंगे। कई जगहों पे ऐसे भी हैं, ढलान वाली जगह भी है, वहाँ से हम लोग न्यूट्रल पे जा सकते हैं। आज प्रॉपरली फुल हो गई, ऊपर तक 1350 का तेल पड़ा है इस पर। टैंक छोटा ही है इसका, 14-15 लीटर का टैंक है मेरे हिसाब से, ज़्यादा नहीं पड़ता इस पर, कम ही पड़ता है। तो फिर भी कोई नहीं, देखते हैं कल क्या सीन रहता है। 15 की एवरेज शो हो रही है, बाइक की एवरेज बहुत बढ़िया आ रही है, तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है इसकी एवरेज लगभग 18-20 की आ रही है, तो इतनी एवरेज है अपनी बाइक की। तो इसलिए वही चीज़ है कि 300 किलोमीटर हो जाएगा, जम्मू तक हम लोग पहुँच ही जाएँगे आते टाइम, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू तक पहुँच के तो कोई ना कोई जुगाड़ हम लगा ही देंगे, पेट्रोल का कोई इशू नहीं है। वाला रास्ता गाइस, पेट्रोल पम्प बंद तो गाइस सारे काम रुक जाएंगे, मेन होता भाई पेट्रोल, तो पेट्रोल अगर बंद हो जाता ना तो फिर भाई साहब, फिर आप समझ ही सकते हो यार।